भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस। 18 लाख संदिग्ध खाताधारकों को भेजा जा रहा नोटिस। नोटबंदी के दौरान बैंकों में पैसे जमा करने वालों के लिए नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। नए साल के जनवरी महीने से उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंकों में जमा की गई रकम का हिसाब नहीं दिया था। आयकर विभाग जनवरी से उन आयकर दाताओं का पूर्ण आकलन शुरू करेगा जिन्होंने नोटबंदी के बाद संदिग्ध धन बैंकों में जमा कराए हैं, लेकिन अभी तक अपना आयकर रिटर्न जमा कराने में विफल रहे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश के बाद अधिकारियों ने सभी संदिग्ध खाता धारकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इस साल 31 दिसंबर तक सभी को नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगर संदिग्ध खाता धारकों के जवाब से आयकर अधिकारी संतुष्ट नहीं हो पाता है तो आयकर विभाग ऐसे खाता धारकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। स्वच्छ धन अभियान के तहत ऑनलाइन सत्यापन के पहले चरण के तहत जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर 18 लाख लोगों की सूची बनाई गई है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने बैंक खातों में उल्लेखनीय नकदी जमा कराई है, लेकिन उन्होंने अभी तक 2017-18 के आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न जमा नहीं कराए हैं।